जवानी और रूप, जहां देखो वहां पर तस्करा रूप और जवानी का। ओहो, तुम आ गई, आओ, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। मेरी राह देख रहे थे? मुझे विश्वास था तुम आओगी। तुम्हें विश्वास था कि मैं आऊंगी, मगर इस विश्वास का कारण? पृथ्वी वल्लभ की जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने किसी चीज की तरफ अपना हाथ बढ़ाया हो और वो चीज उसके सामने दौड़ती हुई न आई हो। शुक्र है कि तुमने चांद की तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाया। मृणालवती, तुम सच को सच की रोशनी में क्यों नहीं देखती? देखो, मैंने चांद की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और चांद मेरे सामने खड़ा है, और अब इस चांद में ये हिम्मत नहीं कि मेरे हाथ से निकलकर अपनी जगह पर वापस चला जाए। मुंज, तुम्हारी एक एक बात में पाप भरा हुआ है। मेरी एक एक बात में कविता भरी हुई है, और कविता और पाप में बहुत बड़ा फर्क है। मगर तुमने तो जोग लिया है, तुम जोग को समझ सकती हो, लेकिन कविता क्या है, प्यार क्या है, जवानी का जादू क्या है, रंग रूप का राज क्या है, वो तुम अभी तक नहीं समझे। क्या तुम जानती हो भौरा फूल के लिए क्यों तड़पता है? क्या तुम्हें मालूम है पतंगा दीपक पर क्यों जल मरता है? क्या तुम समझती हो चकोर चांद की तरफ क्यों लपकता है? अगर नहीं तो यहां बैठ जाओ और मुझसे पूछो, मैं तुम्हें हर बात का जवाब दे सकता हूं। मैं यहां बैठने के लिए नहीं आई, मैं तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई हूं। सिखाओ क्या सिखाती हो, लेकिन सिखाने से पहले इतना जान लो कि मैं किसी अनाथ का त्यागा हुआ बेटा था और आज पृथ्वी वल्लभ हूं। शेरनियों ने मुझे दूध पिलाया है और हाथियों ने मुझे थपकियां दी हैं। मैंने भीख मांगी है और ताज दान किए हैं। मैंने अमीरों का लहू चूसा है और गरीबों के लिए अपना लहू बहाया है। वेदों और शास्त्रों का पाठ करके मैंने तपस्या की है और श्रृंगार कला का पाठ करके मैंने दुनिया के सुखों को भोगा है। अब जो बाकी रह गया है वो तुम सिखा दो। मृणालवती, तुम मुझे क्या सिखाओगी? अभी तो तुम्हें आप बहुत कुछ सीखना है। जीवन की बहार तुमने अभी तक नहीं लूटी, चांदनी रात के राज तुमने अभी तक नहीं समझे, प्रेम के गीत तुमने अभी तक नहीं गाए, जवानी की अंगड़ाइयां तुमने आज तक नहीं ली, और अपने प्रेमी के गले से लगकर रंग रस का सागर मथने से क्या होता है ये तुमने अभी तक नहीं समझा। एक तपस्विनी से ऐसी बातें करके तुम उसका अपमान कर रहे हो। नहीं सुंदरी, पृथ्वी वल्लभ कभी किसी स्त्री का अपमान नहीं करता, और खास कर उस स्त्री का जिसे वो अपने दिल की रानी बना चुका है। पापी, तेरी ये मजाल, कोई है? इसके हाथ दाग दो। जी, इसके हाथ दाग दो। जी, मेरे हाथ को जलाकर क्या करोगी, ये तो तुम्हें छूने से ही जल गए हैं। अगर जलाना है तो दिल को जला दो, ये दोष दिल का है। चुप रहो, जल्दी करो। जरूरत है, लो जला लो। अगर मैं ये जानता कि तुम इतनी जल्द खुश हो जाओगी तो मैं खुद अपना हाथ जला लेता, न तुम्हें तकलीफ होती न तुम्हारे आदमियों को। अच्छा, कल देखना क्या होता है। और तुम कल सांझ को देखना क्या होता है। कल सांझ को क्या होगा? जीवन और जवानी के राज समझने के लिए तुम फिर मेरे पास आओगी। लेकिन मृणालवती, कल थोड़ा सा मरहम भी लेती आना। हा?